किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन डेटशीट आने से पहले ही हैदराबाद वाले भाईजान होमवर्क में जुटे हुए, कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं और इससे खेल गड़बड़ा रहा है कि अखिलेश और तेजस्वी यादव का खेल उसी कैलकुलेशन से गड़बड़ाने वाला है। यूपी से लेकर बिहार तक इंडी गठबंधन में खलबली है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी का गेम प्लान, देखिए बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। तेजस्वी अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा, तुमने हमारे चार को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा। संकल्प वही है, एजेंडा वही है, प्रोपेगेंडा वही है, सब तकरीर की तारीख नई है। चुनावी कैलेंडर पलटा, 13 मार्च की तारीख आई तो वैसी ने ये स्टेटमेंट दिया। मेरा एजेंडा ये है कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। देश में हवा मोदी की बनी हुई है, मिशन 400 पार का है, लेकिन ओवैसी के मुंगेरी लार वाले सपने का सच क्या है, इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज यूपी और बिहार से आ रही है। इंडी गठबंधन में इन दिनों टेंशन हाई है। वजह है वो कोर वोट बैंक जिसे दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन के साझेदार पॉकेट में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान के गेम प्लान से इस वोट बैंक में साफ साफ डेंट लगने का खतरा मंडरा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूनिया, दरभंगा, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट और भागलपुर सीट शामिल है। किशनगंज से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान उम्मीदवार होंगे, जबकि बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हैं। बस नाम का ऐलान बाकी रह गया है। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा, पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक की लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहां से आप अख्तरुल ईमान को अपना MP बनाकर पार्लियामेंट में भिजाइए। बिहार में ओवैसी की एंट्री से कैसे इंडी गठबंधन में खतरे की घंटी बज रही है, ये आप यहां की किशनगंज सीट के उदाहरण से समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस सिर्फ किशनगंज सीट ही जीती थी और इस बार भी ओवैसी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। किशनगंज सीट पर 68% मुस्लिम आबादी है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2009 से लगातार कांग्रेस यहां से चुनाव जीतती रही है। 2019 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सिर्फ 34,000 वोटों के अंतर से जीते थे। उन्हें 3,67,000 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर NDA में शामिल JDU उम्मीदवार महमूद अशरफ को 3,32,000 वोट मिले, जबकि AIM उम्मीदवार अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 2,95,000 वोट मिले थे, यानी कांग्रेस उम्मीदवार से 72,000 वोट कम। अब की बार अगर ओवैसी के उम्मीदवार की ओर मुसलमानों ने थोड़ी बहुत भी दरियादिली दिखाई तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना मुश्किल हो सकता है। बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलरों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हर चंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए, लेकिन राष्ट्रहित में, दलितों के हित में, अकलियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अकलियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें।
किशनगंज के अलावा बिहार की दूसरी जिन सीटों पर ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का इंपैक्ट है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। इसके अलावा दरभंगा में 22% मुस्लिम वोटर्स हैं। याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम ओवैसी की पार्टी को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। तब तो जो आरजेडी कल तक MY फैक्टर के सहारे थी वो अब बाप फैक्टर की बात करने लगी है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर, यानी बाप, यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। टेंशन में तेजस्वी यादव ही नहीं, अखिलेश यादव भी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया यूपी के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी यूपी पर है। इस इलाके में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने यहां से 19 सीटें जीती थीं, तो विपक्षी गठबंधन को 8 सीटें ही हासिल हो पाई थी। लेकिन तब अखिलेश यादव अकेले नहीं थे। BJP को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश की 2 सबसे बड़ी सियासी अदावत वाली पार्टियां सपा और बसपा ने हाथ मिलाया था। चुनाव में अखिलेश यादव को मायावती का साथ तो मिला ही था, RLD के जयंत चौधरी भी उनके साथ थे, जिसके कारण गठबंधन का वोट प्रतिशत 37.3 हो गया था। हालांकि BJP को 49.6% वोट मिले थे। लेकिन अब पश्चिमी यूपी के मजबूत साथी जयंत चौधरी ने अखिलेश का हाथ झटक कर BJP से हाथ मिला लिया, तो वहीं मायावती ने भी सरप्राइज दे दिया है। BSP ने 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, इनमें 5 मुस्लिम समुदाय से। इनमें पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन और सहारनपुर से माजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया है। 5 में से 3 सीटों पर मुस्लिम आबादी का जबरदस्त इंपैक्ट है। मुरादाबाद में 47%, सहारनपुर में 42%, अमरोहा में 41% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी मुस्लिम आबादी को अखिलेश यादव अपनी सियासत के लिए मुफीद मानते हैं। लेकिन लगता है अखिलेश को उत्तर प्रदेश में 3 मोर्चों पर चुनाव लड़ना होगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ BJP RLD से नहीं, बल्कि अखिलेश के सामने मायावती के कैंडिडेट भी होंगे। रही सही कसर यूपी में ओवैसी भी पूरी कर देंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब की बार AIMIM पश्चिमी यूपी के 3 सीटों पर सीरियस फाइट करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।